हेलो एवरीवन, इस वीडियो के तीन पार्ट हैं। पहले पार्ट में एक बिहार बोर्ड का जारी किया हुआ प्रेस रिलीज हम लोग देखेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे एक नोटिस जो कल शिक्षा विभाग ने जारी किया था, और तीसरे पार्ट में जो आज प्रेस रिलीज जारी हुआ उसमें OFSS जो बिहार बोर्ड की एक वेबसाइट है वहाँ पर हर एक ज़िले का जो प्लस टू स्कूल कॉलेज है उसकी डिटेल्स सरकार इकट्ठा कर रही है। और अभी की डिटेल्स क्या कहती है, किस ज़िले के अंदर प्लस टू की पढ़ाई ज़्यादा हो रही है, किस ज़िले के अंदर कम हो रही है, कहाँ पर स्कूल कॉलेज ज़्यादा है प्लस टू वाला, इंटर कॉलेज या प्लस टू स्कूल ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, ये सारा का सारा डेटा जो आज प्रेस रिलीज जारी हुआ है वो इसी संबंध में जारी हुआ है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। और मौजूदा डेटा क्या कहता है, हर एक ज़िले का क्या हाल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये शिक्षा विभाग का नोटिस है, कल की डेट में जारी हुआ। अपने स्क्रीन के अपर राइट साइड पे देखिए, वहाँ पे 7/6/2021 कल का डेट ये लिखा हुआ है। दो तीन लाइन इसका मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर अगले जो प्रेस रिलीज है उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। दिनांक 20/8/2020 द्वारा माध्यमिक शिक्षा प्रक्षेत्र के लिए क्रमशः बिहार नगर निकाय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2020 एवं बिहार जिला परिषद। खैर, कहने के मतलब यही है कि ये जो बिहार शिक्षक नियमावली थी जो 2020 में जारी हुई थी उसी से संबंधित ये बात है। और ये पूरा डॉक्यूमेंट है, ये 6 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसको पूरा पढ़ना सही होगा नहीं। और वैसे भी ये मोस्टली रिलेटेड है जो अभी ट्रांसफ़र शुरू हुआ है उससे संबंधित है ये, लेकिन जो ऑलरेडी टीचर बनने जा रहे हैं अगले कुछ महीनों में उनके लिए ये सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि सरकार जो मौजूदा टीचर हैं जो ऑलरेडी सर्विंग हैं उनको कैसे हैंडल कर रही है, कैसे वो ट्रांसफ़र लेते हैं, कैसे पोस्टिंग होती है। तो इस चीज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वाला डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। इसको मैं जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है STET ट्विटर कैंपेन वाला उसमें मैं डाल देता हूँ। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जाके STET ट्विटर ही सिर्फ लिख देंगे, ट्विटर की स्पेलिंग सही लिखिएगा तो वो टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। मैं थोड़ी देर में ये वाला PDF वहाँ पर डाल देता हूँ। अब चलते हैं प्रेस रिलीज़ की तरफ। आपके स्क्रीन पर ये रहा, या आज के तकरीबन सभी अखबारों में ये चीज़ है जो कि आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। अब इसमें हेडिंग क्या है, देखिए, इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले राज्य के सभी सरकारी गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय इंटर महाविद्यालय संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय की सूची OFSS के वेबसाइट पर अपलोड करने तथा उसके संबंध में दिनांक 13/6/2021 तक आपत्ति दर्ज कराने के संबंध में आवश्यक सूचना। अब सूचना इसमें जो मौजूदा हैं लोग जो STET 2019 पास है बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग ये जान सकते हैं कि हाँ भाई प्लस टू की पढ़ाई कहाँ कहाँ पर हो रही है और सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से कहाँ कहाँ पर प्लस टू है। कहने के लिए तो हर एक पंचायत में सरकार ने उत्क्रमित कर दिया, पर वो प्रैक्टिकल बात नहीं है। वहाँ पर प्रैक्टिकली जो अगर आप जाके चेक करेंगे तो बहुत सारे पंचायत, आधे से ज़्यादा पंचायत आपको मिलेंगे जहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी मौजूदा दौर मौजूदा वक्त में कहाँ कहाँ पर किस किस स्कूल कॉलेज में प्लस टू वाली फैसिलिटी मौजूद है वो सारी लिस्ट आपको जो वेबसाइट यहाँ पर लिखा हुआ है OFSS.bihar.in, मैं आपको लेके चलता हूँ उस वेबसाइट पर। आपके स्क्रीन पर ये रहा, OFSS का मतलब है, देखिए OFSS का मतलब है ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स। अब सरकार कौन सी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करती है पता नहीं, पर इसका फुल फॉर्म यही है। अब यहाँ पर आपको हर एक ज़िले का डेटा पूरा मौजूद है सारे स्कूल कॉलेजेस का। अब देख पा रहे होंगे कॉलेज वाइज कंसोलिडेटेड स्ट्रीम स्ट्रेंथ, स्ट्रीम स्ट्रेंथ IE, ISE, ICOM, एग्रीकल्चर, ये सब अपना स्ट्रीम है अलग अलग। OFSS की जो मेन वेबसाइट है उसका होम पेज कुछ ऐसा दिखता है। जब आप वेबसाइट खोलेंगे, अब मैं आपको ज़िलावार लिस्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ज़िलावार लिस्ट किस ज़िले का क्या हाल है, क्योंकि मैंने इस पर थोड़ा देर टाइम लगाया है और इसमें से डेटा कलेक्ट किया है इस वेबसाइट में से, तो किस ज़िले के अंदर कितना पढ़ाई हो रही है प्लस टू की वही मैं आपको दिखाता हूँ। तो OFSS की ये वेबसाइट है, आप वेबसाइट खोलने के बाद मेन मेनू में कॉलेज इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक करना है। कॉलेज इन्फॉर्मेशन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंटरमीडिएट का ऑप्शन आएगा, आपको उसके बाद इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है। इंटरमीडिएट पर आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद आपने अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। ज़िला सेलेक्ट करके जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे उसके बाद जो भी आपके ज़िले में जहाँ जहाँ पर प्लस टू की पढ़ाई है मौजूदा टाइम पर अभी के वक्त में वो सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो मैं तो ऑलरेडी काफ़ी 3-4 ज़िलों का छोड़ करके ऑलरेडी मैंने सारे बिहार का देखा। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर पूरे बिहार का डेटा OFSS की वेबसाइट के हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से नहीं। ये देखिए, ये है हाल हर एक ज़िले का। इसमें कुछ बड़े ज़िले भी हैं जो बीच में हैं या नीचे हैं, और कुछ छोटे ज़िले भी हैं जो थोड़ा ऊपर है, तो इस बात को बड़ा ध्यान देना है।
खैर मैं पूरा आपको स्क्रॉल करके एक बार दिखाता हूँ। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, पटना में सबसे ज़्यादा स्कूल कॉलेज हैं जहाँ पर आईएससी या आईए या आईकॉम की पढ़ाई चल रही है। फिर गया, नालंदा, दरभंगा, मधुबनी, रोहतास, वैशाली, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, सिवान, ये टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर इंटरमीडिएट की पढ़ाई हो रही है। 9-10 की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट की से बात हो रही है। वो प्रेस रिलीज भी जो आपने देखा वो सिर्फ इंटरमीडिएट के लिए ही था। इसको स्क्रॉल करता हूँ मैं बॉटम तक, ये घटते हुए क्रम में ऑलरेडी डेटा सारा अरेंज किया हुआ है। 10 के नीचे देखिए, 10 से लेकर के 20 तक आपके स्क्रीन पर, 20वें पोजीशन पर है नवादा। नवादा में कुल 86 ऐसे स्कूल कॉलेज हैं जहाँ पर प्लस टू की पढ़ाई हो रही है। ये जो लिस्ट अगर आप देखेंगे वो OFSS की वेबसाइट में, तो वहाँ पर आपको थोड़ा मिक्स टाइप का सिस्टम है। उसमें आपको माइनॉरिटी वाला कॉलेज, स्कूल कॉलेज भी दिख जाएगा, उसमें जो गवर्नमेंट एडेड है वो भी दिख जाएगा, उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी दिख जाएगा, तो सारा कुछ मिला हुआ है इसमें। लेकिन किसी भी ज़िले के अंदर माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है कितना, मुश्किल से 4-5 होगा। वो भी हो सकता है कई ज़िले में ना हो, या किसी भी ज़िले के अंदर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी बहुत कम हैं। तो 90% से ऊपर जो शेयर है जहाँ पर प्लस टू की बिहार में पढ़ाई हो रही है, मैं CBSE बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ, वो सारे के सारे गवर्नमेंट एडेड है, गवर्नमेंट फंडेड है। तो इस लिस्ट को लेकर के कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 20 के बीच में जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो आपको दिख रहा है। नवादा में 86 इंस्टीट्यूशन बॉटम पे अभी दिख रहा है। इसके नीचे भी स्क्रॉल करता हूँ मैं और देखते नीचे कितने हैं। 20 से 30 के बीच में अभी देखिए आपने स्क्रीन पर, 30वें पोजीशन पर है जहानाबाद। कुल 54 स्कूल कॉलेज हैं इस तरह के जहानाबाद में जहाँ पर प्लस टू की पढ़ाई सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से हो रही है। थोड़ा और स्क्रॉल करता हूँ मैं इसको। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि 3-4 ज़िलों का मैंने नहीं कलेक्ट किया है, बाकी सबका है। तो सबसे कम स्कूल कॉलेज शिवहर में या सेवहर में सिर्फ 15, फिर सेकंड लास्ट है शेखपुरा 29, किशनगंज 34। सबसे अजीब बात है इसमें सहरसा भी है। सहरसा में भी जो स्कूल कॉलेज हैं वो काफ़ी कम हैं OFSS की वेबसाइट के हिसाब से। ये तो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, मैटर ये भी करता है किस इंस्टीट्यूट के अंदर सीटें कितनी हैं, क्योंकि आखिर में मैटर ये करेगा कि टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है। ये जो आपको दिख रहा है ये नंबर ऑफ स्कूल कॉलेज है सिर्फ। तो ये पूरा आपको मैंने दिखा दिया हर एक ज़िले का क्या है हाल, कौन सा ज़िला कहाँ बैठता है। इसमें भागलपुर जैसा बड़ा ज़िला भी है जो कि कहीं 15 के आसपास था, और कुछ छोटे ज़िले भी जो ऊपर की तरफ थे। तो ये सब चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि किस ज़िले के अंदर कितनी सीटें होंगी, वो इस फैक्टर पर भी डिपेंड करता है कि आबादी कितनी और आबादी के हिसाब से स्कूल कॉलेज कितना। और देखिए सहरसा बड़ा ज़िला है लेकिन ये बॉटम में, वहाँ पर स्कूल कॉलेज कम है। खैर नहीं हो, जो था मैंने आपको जो डेटा कह रहा था, OFSS की वेबसाइट जो कह रही थी वो मैंने आपको दिखा दिया। प्रेस रिलीज जो मैंने आपको बताया वो प्रेस रिलीज अगर आप चाहें तो आज आप किसी भी अखबार में देख सकते हैं। बिहार बोर्ड ने वो प्रेस रिलीज जारी किया है बिहार के इंटर स्कूल और कॉलेजेस से के संबंधित। तो अभी के लिए यही सारा हाल था। जो नोटिस मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ थोड़ी देर में, तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन ज़रूर कीजिए। आज जो कुछ भी हो रहा है बहाली को लेकर, छठे फेज में मामला आगे बढ़ा है, इसमें ट्विटर का बहुत बड़ा रोल है। हर एक वीडियो में मैं इस बात को मेंशन करता हूँ कि उस ग्रुप में ज़रा संख्या आपने बढ़ाइए। संख्या बढ़ेगी आपकी तो कल को ट्विटर कैंपेन में भी आसानी होगी। ट्विटर कैंपेन में आसानी होगी तो हो सकता है कि हम सरकार पर प्रेशर बनाने में कामयाब हो जाएं। हालांकि एक्सपेक्टेशन तो सबकी यही रहती है कि बिना प्रेशर बनाए सरकार आसानी से काम को करे, लेकिन ऐसा आमतौर पर होता हुआ नहीं दिखता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। खैर नहीं हो, तो ट्विटर जो ग्रुप है टेलीग्राम में STET ट्विटर, सिर्फ आप लिख देंगे STET ट्विटर, ट्विटर की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, तो वो ग्रुप आपके सामने आ जाएगा। उस ग्रुप में आप लोग जुड़िए और जब भी ट्विटर कैंपेन चलता है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। जो छठे फेज़ वाले थे उनका तो ऑलमोस्ट काम हो चुका है, अब बारी है कि सातवें फेज़ वाले थोड़े अलर्ट रहें। अगले कुछ महीने अगर आप अलर्ट पर रहते हैं तो मुमकिन है कि आप लोगों की भी बहाली हो जाए, और अगर इसको छोड़ दिया जाएगा, इसके पीछे नहीं पड़ा जाएगा, तो सरकार का रवैया किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अभी के लिए बस यही सारी बातें थी। आपको इस वीडियो के अंदर एक नोटिस दिखाया शिक्षा विभाग का, प्रेस रिलीज दिखाया जो कि आज के तकरीबन सभी अखबारों में है, और OFSS की वेबसाइट दिखाई। OFSS की वेबसाइट पर जाइए, OFSS.bihar.in यही एड्रेस है उसका, और वहाँ पर आपको और जो कई सारी इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ नंबर ऑफ़ स्कूल या नंबर ऑफ़ कॉलेज की ही इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं वहाँ पर, तो उसको आप देख सकते हैं, उसमें से और जानकारी भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, आगे STET से जुड़ी हुई कोई भी खबर आती है, कोई भी अपडेट आती है तो जल्दी से जल्दी अपडेट करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।